वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं खड़े लहसुन की सब्जी। ये हमारे पास लहसुन, इसको हमने इस तरह से साफ करके ले लिया है और इसको हमने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा हुआ था। और हमें चाहिए होगा ये प्याज, प्याज को भी हमने थोड़ा मोटे मोटे कट लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई हमारा इधर गर्म हो चुका है, इसमें हम हाफ चम्मच ये पांच फूरन है, इसको हम फ्राई कर लेंगे एकदम हल्का। तो ये पांच फूरन हमारा फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे, इसको हम पाउडर कर लेंगे इसका। तो फ्रेंड्स, पांच फूरन को हमने निकाल लिया है, अब हम इसमें फिर से डालेंगे तेल। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम अपने ये लहसुन को थोड़ा फ्राई करके निकाल लेंगे। इसमें डाल देंगे हम हल्का सा नमक और इसको हम हल्का ही फ्राई करेंगे, इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए, लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो लहसुन हमने निकाल लिया है, अब इसमें तेल में डालेंगे ये दो इलायची और ये दालचीनी है, और इसमें डाल देंगे ये हमारे कटे हुए प्याज, इसको हम तेज आंच पे लाल लाल फ्राई कर लेंगे। प्याज को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और फ्रेंड्स, ये लहसुन की सब्जी बहुत अच्छी होती है ठंड करके सर्दी के मौसम में, क्योंकि लहसुन की तासीर जो है गर्म होती है, तो ये ठंडे के लिए बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे अदरक लहसुन भी भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, लाल मिर्च का पाउडर और ये हल्दी पाउडर और ये जीरा पाउडर, इसको हल्का सा भून लेंगे। और ये फ्रेंड्स, हमारा जब ये मसाला भुन जाए तो इसमें थोड़ा सा जगह बना के हम बीच में डाल देंगे ये एक चम्मच बेसन, इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो बेसन का महक है वो चला जाए मसाले के साथ, इसको अच्छे से भून लेंगे। तो बेसन भी हमारा अच्छे से भुन चुका है, अच्छा सा खुशबू आ रहा है इसमें से। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, अब हम डाल देंगे इस पे कटा हुआ छोटे छोटे दो टमाटर, अब हम इसको ढक करके टमाटर गलने के लिए हम रख देंगे। तो चलिए इसको ढक देते हैं। तो देखिए, टमाटर हमारे गल चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे और डालेंगे ये हाफ टी स्पून शक्कर, थोड़ा सा एक उबाला आ जाए, ये एक उबाला आ गया है, अब हम जो लहसुन को फ्राई करके रखे हुए थे वो डाल देंगे, वो रसा मिला करके इसका हम ढक करके 5 मिनट के लिए और इसको पकाएंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारे लहसुन की सब्जी। ये देखिए, एकदम नरम पक गया है। अब हम इस पे डालेंगे ये जो हमने पांच फूरन को ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था, इसको हमने पाउडर कर लिया, इसको डाल देंगे ऊपर से। बस हमारी तैयार है सब्जी, हल्के हाथों से इसको मिला देंगे। हम इसको प्लेट में निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लहसुन की सब्जी बन करके तैयार है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।